Well, since 1968, Rajkot West has been a saffron stronghold, but in the assembly elections this time, the constituency is set to witness one of the fiercest battles in years between the richest candidate on one hand and the chief minister on the other. Meet the richest man in the Gujarat assembly, Indranil Rajguru, who has assets worth 141 crores. That's good, na? Aur mujhe mere paas paisa hai, to mujhe yahi samaj ne diya hai. तो वो समाज के लिए मैं अगर कुछ कर पाऊं तो मेरे ख्याल से मैं बिक जाऊं तब भी कुछ नहीं कर सकता हूं राजगुरु इज इन द स्पॉटलाइट दिस ईयर एज ही इज फाइटिंग अगेंस्ट द सिटिंग चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी हुज डिक्लेयर्ड एसेट्स आर अ मॉडेस्ट 7.4 करोड़ इन कंपैरिजन एक गलत आदमी गुजरात की सर्वोच्च गादी पे जाके बैठे तो ये जरूरी है कि उसको रोका जाए The VIP seat of Rajkot West has given Gujarat three chief ministers, Keshubhai Patel, Narendra Modi and now Vijay Rupani. While the BJP is parachuting many of its leaders to campaign in this prestige battle. Many Congress MPs are also reaching Rajkot to throw their weight behind Rajguru. हमने पंजाब से शुरू किया पंजाब में दो बाई इलेक्शन हुई एक तो मेरी हुई है कैप्टन साहब की जगह एक सुनील जाखड़ जी गुरदासपुर से जीते हैं दोनों सीट दो लाख वोट से हमने जीती है तो वहां से हमने शुरुआत की है अब 19 में गुजरात भी अब जीतेंगे हिमाचल भी जीतेंगे अ टूर ऑफ द सिटी व्हिच हैज बीन नॉमिनेटेड वन ऑफ द 100 स्मार्ट सिटीज अंडर सेंटर स्मार्ट सिटी मिशन रिवील्स द मूड ऑफ वोटर्स एंड द क्लोज कॉन्टेस्ट बिटवीन रूपानी एंड राजगुरु हमें इंद्रनील पाई पे पूरा भरोसा है वो काम करने के लिए आए हैं और काम करेंगे उसकी भावना ही सेवा की है हम गर्ल्स की सिक्योरिटी वुमेन्स की सिक्योरिटी वो हम कांग्रेस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो भाजपा ने 22 सालों तक नहीं दिए हैं रूपानी के एडवांटेजेस दैट ही वाज हैंडपिक्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर बट ही स्टिल हैज अ लॉट टू प्रूव देयर आर 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट बट द फाइट इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी इज द मोस्ट प्रेस्टीजियस वन Because the sitting chief minister is fighting from here, and if he has to emerge as a tall leader, he has to defeat the most wealthiest man in the Gujarat assembly. In Rajkot, this is Neeta Sharma reporting for NDTV.